तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हर्ष राजपूत और आज आपके सामने एक फैंटास्टिक सी वीडियो और रोचक सा टॉपिक लेके आ चुका हूं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विंटर में गारमेंट का बिजनेस, मेंस का गारमेंट का बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गारमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि विंटर में एक तो मेंस की क्या क्या वैरायटी होती है जो आपकी शॉप में आपको रखनी ही है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जो विंटर का सीजन होता है इसका भी आपको ध्यान रखना होता है कि ये कितने मंथ का होता है। तो इसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा आपको वैरायटीज बताता हूं कि विंटर के सीजन में अगर आप गारमेंट का बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो विंटर में आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक लिस्ट भी ये तैयार की है ताकि आप इजीली इस चीज को समझ पाएं। आप चाहें तो मेरे से इसका व्हाट्सएप पे फोटो भी मंगा सकते हो ताकि थोड़ा सा आइडिया आपको लगे। देखिए, मैं आपको इसमें बता देता हूँ दोस्तों कि जीन्स आपको क्या करना होता है कि जीन्स रखने होते हैं। जीन्स देखिए एक ऐसी आइटम है जो आज भी चलेगा, कल भी चलेगा और 10 साल बाद भी चलेगा, क्योंकि जीन्स सदा बाहर बिकता है और ये बिकता ही रहेगा। रेगुलर आइटम है, हर सीजन बिकता है और ये आपकी शॉप में होना ही चाहिए। दोस्तों, जीन्स में मैं आपको वैरायटी बता देता हूँ। जीन्स में आपको स्ट्रेट, नैरो, कंफर्ट, डैमेज, हर तरीके के जीन्स के 5-5 पीस रखने होते हैं, यानी कि टोटल 20 पीस आपको हर साइज में आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कॉटन पैंट भी रखने पड़ेंगे। कॉटन पैंट क्या होते हैं कि आपको कॉटन और फॉर्मल हर साइज में आपके पास 5-5 कलर होने चाहिए और 28, 30, 32, 34, 36 हर साइज आपके पास दोस्तों अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद बात कर लीजिए दोस्तों शर्टों की। शर्टें आप देख रहे हैं, शर्ट में अगर मैं बात करूं, शर्ट में आपके पास कैजुअल जो फॉर्मल शर्ट आती है, प्लेन शर्ट आ जाती है, चेक शर्ट आ जाती है, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रिंटेड शर्ट आ जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने इस लिस्ट में लिखा भी हुआ है कि जो आपको प्लेन शर्टें रखनी है वो 15-20 आपके पास प्लेन शर्ट के होने चाहिए एम साइज में, और एम ही साइज में आपके पास चेक शर्ट 30 पीस होने चाहिए और प्रिंटेड शर्ट के भी आपके पास 15 पीस होने चाहिए। टोटल मतलब आपको 60 शर्ट एम साइज में, एल साइज में और एक्सएल साइज में और डबल एक्सएल में, एम से लेके डबल एक्सएल साइज तक आपको 60-60 पीस यानी के आपका 240 पीस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एम से लेके डबल एक्सएल साइज मैंने आपको बताया। इसमें आप कुछ विंटर की शर्ट भी ऐड कर सकते हैं कि दोस्तों विंटर की, अब जैसे विंटर आता है तो विंटर में थोड़ी गर्म स्लीव शर्ट आ जाती है, थोड़ी बुलन वाली शर्ट आ जाती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। सके तो उनको चेक में आप ऐड करिएगा, आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। इसके बाद दोस्तों मैं मेनली बात कर लेता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हुड। हुड में आपको एम से लेके एक्सल, और फिर उसके बाद मैं बात करूँ ये स्वेट शर्ट आ जाते हैं, ये भी आपको एम से लेके एक्सल। फिर आपको जो ये होता है जिपर होता है, एक स्वेट शर्ट ही होता है, जिपर में स्वेट शर्ट आ जाता है, इसमें भी एम से लेके एक्सल। और आपको पीस की अगर मैं बात करूँ, 5-5 पीस हर साइज में आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद जिपर में हुड होती है दोस्तों, जिपर में हुड की वैसे कम डिमांड रहती है, पर डिमांड में ये रहती है आपकी शॉप में ज्यादा नहीं, तो 3-3 पीस हर साइज में आपके पास जिपर हुड में होने चाहिए। इसके बाद आपके पास विंटर के ट्रैक सूट आ जाते हैं, वो भी आपकी शॉप पे अवेलेबल होने चाहिए। ट्रैक सूट आपके पास होने ही चाहिए विंटर में, क्योंकि लोअर और टी शर्ट का एक प्रॉपर ट्रैक सूट आता है दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखिए। और एक एनएस में भी आ जाता है। इसके अलावा आप लोअर, देखिए लोअर एक ऐसा आइटम है जो रेगुलर डेली वेयर में, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे हमारे पास, ये सारा ही रेगुलर और डेली वेयर में इस तरीके के लोअर आ जाते हैं। तब क्या होगा कि विंटर के लोअर भी आपको एम से लेके डबल एक्सल तक रखने पड़ेंगे, और इसमें फ्लीज की आइटम होगी, आपको गुलन की आइटमें होगी, ये सारी आइटमें आपको इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करें, अब हम बात कर लेते हैं एसेसरीज की। एसेसरीज में क्या जाता है, देखिए जैसे कि अगर मैं बात करूँ, विंटर में हमारे पास कैप आ जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में तो हमारे पास इस तरीके के कैप चलते हैं, ये देख सकते हैं आप, पर लेकिन अब बात करते हैं विंटर की। विंटर में जो हमारे पास कैप चलते हैं दोस्तों, विंटर में जो कैप चलेंगे वो आपको गर्म वाले, बुलन वाले कैप चलते हैं। उसके अलावा आपको गर्म सॉक्सें भी रखनी है और साथ में आपको गर्म मफलर भी रखने होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारी वैरायटी मैंने आपको विंटर की बताई थी। इसमें आपको जैकेट फुल स्लीव और हाफ स्लीव की जैकेट एम से लेके डबल एक्सल साइज में 5-5 पीस रखने हैं। ठीक है दोस्तों, हर साइज में जैकेट के। अब जैकेट में दोस्तों
जैकेट में हाफ स्लीव भी आती है, फुल स्लीव भी आती है, इनमें थोड़ी थोड़ी वैरायटी भी अगर आप रख लें 5 पीस तो मेरे हिसाब से आपका काम चल पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक्सेसरीज का मैंने बताया है दोस्तों, ट्रैक सूट बता दिए हैं आपको, और आपको हुडी, जिपर, सारे लोअर्स वगैरह मैंने आपको बताया है, ये सारी वैरायटीज है। और ये आपको लिस्ट अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करिए दोस्तों, कॉल मत करिएगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। देखो मैं वीडियो भी बहुत मुश्किल से बढ़ा पाता हूँ, दिन में बहुत ज़्यादा काम होता है और आप कॉल करके फिर मुझे परेशान कर देते हो, तो इसलिए आप मेरे से सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करें कि भैया मेरे को वो लिस्ट भेज दीजिए, उस दिन आपने विंटर में गारमेंट बिजनेस की वीडियो बनाई थी उसकी मुझे लिस्ट भेज दीजिए, तो मैं आपको ये लिस्ट भेज दूंगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर ली जाए दोस्तों विंटर की सीजन कितनी मेहनत का होता है। अब देखिए लोग बिजनेस कर लेते हैं और इतना ज़्यादा स्टॉक खरीद पाते हैं, खरीद लेते हैं कि वो विंटर में नहीं बिकता, वो अगले साल को बेच रहे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको उतना ही स्टॉक खरीदना है कि जितना आप विंटर में बेच सकते हैं। विंटर का सीजन आपका 4 महीने का होता है, ठीक है, और 4 महीने का होता है दोस्तों, पर ये एकमात्र ऐसा सीजन होता है कि इसमें हर व्यापारी अच्छा खासा पैसा कमाता है, आप भी एक अच्छा पैसा इसमें अर्न कर सकते हो। क्योंकि विंटर का जो सीजन होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हर बंदे को पैंट भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, ऊपर गर्म आइटम भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक ही पर्सन का, देखिए गर्मियों में क्या करेगा, शर्ट पहन लेगा, जींस पहन लेगा, 1000 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये बिल बनेगा, यहाँ पे उसको एक जैकेट भी चाहिए, इनर सेट भी चाहिए। हाँ दोस्तों, मैंने आपको इनर सेट बताना मैं आपको भूल गया, दरअसल आपको अपनी शॉप पे विंटर में इनर सेट भी ऐड करने हैं। इनर सेट क्या होता है, जो अंदर पहने जाते हैं विंटर में, वो भी एक्सेसरीज में आ जाते हैं, वो मैं आपको इसमें मैंने लिखा हुआ था बट मैं बताना भूल गया। तो विंटर में आप इनर सेट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, विंटर का जो सीजन होता है हमारे पास 4 महीने का होता है, तो 4 महीने में आप जो स्टॉक बेच सकते हैं आप उतना ही स्टॉक खरीदते रहिए, और उतना ही स्टॉक खरीदिएगा जितना आप बेच सकते हो। अगले साल तक आपका स्टॉक नहीं बचना चाहिए, उस हिसाब से आप इस सीजन की तैयारी करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर मान लो आपने 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का पैसा लगाया होगा और आपका 5 लाख का माल बच गया, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगले साल कई लोग बोलते हैं अगले साल बेच देंगे, भाई साहब अगले साल बिके ना बिके 100 बात हो जाती है, माल बिकता भी नहीं है, डेड स्टॉक हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, चूहे काट देते हैं, गंदा हो जाता है स्टॉक, नहीं बिकता, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करिएगा उतना ही स्टॉक खरीदिए कि जिसको आप इस सीजन में बेच सके, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने आपको ये आज का प्यारा सा वीडियो बनाया है, आप लोगों की स्पेशल डिमांड पे लोग कह रहे थे कि गारमेंट का बिजनेस शुरू करना है सर विंटर में, तो विंटर में क्या होता है कि विंटर की वैरायटी अलग होती है और आपको पता है गर्मियों में वैरायटी अलग होती है, तो मैंने इसीलिए ये वीडियो आपके लिए स्पेशली शूट किया हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, आपके लिए अगर ये नॉलेजफुल साबित हुआ ना, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो घंटी बटन यार आप पता नहीं क्यों दबाते हैं, ताकि आपको घंटी बटन इसलिए दबाना जरूरी है ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ले टाटा एंड बाय बाय।